नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास सेवा सदन का 35वां भाग। जिस प्रकार कोई मनुष्य लोभ के वश होकर आभूषण चुरा लेता है पर विवेक होने पर उसे देखने में भी लज्जा आती है, उसी प्रकार सदन भी सुमन से बचता फिरता था। इतना ही नहीं, वह उसे नीची दृष्टि से देखता था और उसकी उपेक्षा करता था। दिन भर काम करने के बाद संध्या को उसे अपना यह व्यवसाय बहुत अखरता, विशेषकर चूने के काम में उसे बड़ा परिश्रम करना पड़ता था। वह सोचता, इसी सुमन के कारण मैं यूं घर से निकाला गया हूँ, इसी ने मुझे यह वनवास दे रखा है। कैसे आराम से घर पर रहता था, ना कोई चिंता थी ना कोई झंझट, चैन से खाता था और मौज करता था। इसी ने मेरे लिए सिर पर यह मुसीबत ढा दी है। प्रेम की पहली उमंग में उसने उसका बनाया हुआ भोजन खा लिया था, पर अब उसे बड़ा पछतावा होता था। वह चाहता था कि किसी प्रकार इसे गला छूट जाए। यह वही सदन है जो सुमन पर जान देता था, उसकी मुस्कुराहट पर, मधुर बातों पर, कृपा कटाक्ष पर अपना जीवन तक निछार करने को तैयार था। पर आज सुमन, आज उसकी दृष्टि में इतनी गिर गई है, वह स्वयं अनुभव करके भी भूल जाता था कि मानव प्रकृति कितनी चंचल है। सदन ने इधर वर्षों से लिखना पढ़ना छोड़ दिया था, और जब से चूने की कल ली तो वह दैनिक पत्र भी पढ़ने का अवकाश न पाता था। अब वह समझता था कि पढ़ना उन लोगों का काम है जिन्हें कोई काम नहीं है, जो सारे दिन पड़े पड़े मक्खियां मारा करते हैं। लेकिन उसे बालों को संवारने, हारमोनियम बजाने में न जाने कैसे अवकाश मिल जाता था। कभी कभी पिछली बातों का स्मरण करके वह मन में कहता, मैं उस समय कैसा मूर्ख था, इसी सुमन के पीछे लट्टू हो रहा था। अब वह उसके चरित्र पर घमंड करता था। नदी के तट पर वह नित्य स्त्रियों को देखा करता था, पर कभी उसके मन में कुभाव न पैदा होते थे। सदन इसे अपना चरित्र बल समझता था। लेकिन जैसे गर्भिणी शांता के प्रसूति का समय निकट आया और वह बहुधा अपने कमरे में बंद, मलिन, शिथिल परी रहने लगी, तो सदन को मालूम हुआ कि मैं बहुत धोखे में था। जिसे मैं चरित्र बल समझता था, वह वास्तव में मेरी तृष्णाओं के संतुष्ट होने का फल मात्र था। अब वह काम पर से लौटता तो शांता मधुर मुस्कान के साथ उसका स्वागत न करती, वह अपनी चारपाई पर पड़ी रहती। कभी उसके सर में दर्द होता, कभी शरीर में, कभी ताप चढ़ जाता, कभी मतली होने लगती। उसका मुख चंद्र कांतिहीन हो गया था, मालूम होता था शरीर में रक्त ही नहीं है। सदन को उसकी यह दशा देखकर दुख होता, यह घंटों उसके सामने बैठकर उसका दिल बहलाता रहता। लेकिन उसके चेहरे से मालूम होता था कि उसे वहां बैठना अखर रहा है। वह किसी न किसी बहाने से जल्दी ही उठ जाता। उसकी विलास तृष्णा ने मन को फिर चंचल करना शुरू किया, कुवासनाएं उठने लगी। वह युवती मल्लाहिनों से हंसी करता, गंगा तट पर जाता तो नहाने वाली स्त्रियों को कुदृष्टि से देखता। यहां तक कि एक दिन इस वासना से विह्वल होकर वह दाल मंडी की ओर चला। वह कई महीनों से उधर नहीं गया था। 8 बज गए थे। काम भोग की प्रबल इच्छा उसे बढ़ाए लिए जाती थी। उसका ज्ञान और विवेक इस समय इस आवेग के नीचे दब गया था। वह कभी 2 पग आगे चलता, कभी चुपचाप खड़ा होकर कुछ सोचता और पीछे फिरता, लेकिन 2-4 कदम चलकर फिर लौट पड़ता। इस समय उसकी दशा उस रोगी से हो रही थी जो मीठे पदार्थ को सामने देखकर उस पर टूट पड़ता है, पथ्यापथ्य का विचार नहीं करता। लेकिन जब वह दाल मंडी में पहुंचा तो गली में वह चहल पहल न देखी जो पहले दिखाई देती थी। पान वालों की दुकानें 2-4 थीं, लेकिन नान बाइयों और हलवाइयों की दुकानें बंद थीं। कोठों पर वैश्याएं झांकती हुई दिखाई न दी, न सारंगी और तबले की ध्वनि सुनाई दी। अब उसे याद आया कि वैश्याएं यहां से चली गईं। उसका मन खिन्न हो गया, लेकिन एक क्षण में उसे एक विचित्र आनंद का अनुभव हुआ। उसने अपनी काम प्रवृत्ति पर विजय पा ली, मानो वह किसी कठोर सिपाही के हाथ से छूट गया। सिपाही उसे नीचे लिए जाता था, उसके पंजे से अपने को छुड़ाने की उसके सामर्थ्य ना थी। पर थाने में पहुंचकर सिपाही ने देखा कि थाना बंद है,
न थानेदार है, न कोई कांस्टेबल, न चौकीदार। सदन को अब अपने मन की दुर्बलता पर लज्जा आई। उसे अपने मनोबल पर जो घमंड था वह चूर चूर हो गया। वह लौटना चाहता था, पर जी में आया कि आया हूं तो अच्छी तरह से सैर क्यों ना कर लूं। आगे बढ़ा तो वह मकान दिखाई दिया जहां सुमन रहती थी। वहां गाने की मधुर ध्वनि उसके कान में आई। उसने आश्चर्य से ऊपर देखा तो एक बड़ा साइनबोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था संगीत पाठशाला। सदन ऊपर चढ़ गया। इसी कमरे में वह महीनों सुमन के पास बैठा था। उसके मन में कितनी ही पुरानी स्मृतियां आने लगी। वह एक बेंच पर बैठ गया और गाना सुनने लगा। 20-25 मनुष्य बैठे थे और एक वृद्ध पुरुष उन सबको बारी बारी से सिखा रहा था। वह गान विद्या में निपुण मालूम होता था। सदन को गाना सुनने में इतना मन लगा कि वह 15 मिनट तक वहां बैठा रहा। उसके मन में बड़ी उत्कंठा हुई कि मैं भी गाना सीखने आया करता। पर एक तो उसका मकान यहां से बहुत दूर था, दूसरा स्त्रियों को अकेली छोड़कर रात को आना कठिन था। वह उठना ही चाहता था कि इतने में उसी ज्ञानाचार्य ने सितार पर यह गाना शुरू किया। दयामयी भारत को अपनाओ, तव वियोग से व्याकुल है माँ, सत्वर धैर्य थराओ, प्रिय लालन कहकर पुचकारो, हंसकर गले लगाओ, दयामयी भारत को अपनाओ। सौर्य आर्य जाति के गौरव, जननी फेर जगाओ, दुखरा पराधीनता रूपी बेड़ी काट बहाओ, दयामयी भारत को अपनाओ। इस पद ने सदन के हृदय में उच्च भावों का स्रोत सा खोल दिया। देशोपकार, जाति सेवा तथा राष्ट्रीय गौरव की पवित्र भावनाएं उसके हृदय में गूंजने लगी। यह बाह्य ध्वनि उसके अंतर में भी एक विशाल ध्वनि पैदा कर रही थी। जगजननी की दया मूर्ति उसके हृदय नेत्रों के सम्मुख खड़ी हो गई। एक दरिद्र, दुखी, दीन, क्षीण बालक दीन भाव से देवी की ओर ताक रहा था और अपने दोनों हाथ उठाए सजल आंखों से देखता हुआ कह रहा था, दयामयी भारत को अपनाओ। उसने कल्पनाओं में अपने को दीन कृषकों की सेवा करते हुए देखा। वह जमींदारों के कारिंदों से विनय कर रहा था कि इन दीन जनों पर दया करो। कृषकगण उसके पैरों पर गिर पड़ते थे, उनकी स्त्रियां उसे आशीर्वाद दे रही थी। स्वयं इस कल्पित बारात का दूल्हा बना हुआ सदन यहां से जाति सेवा का संकल्प करके उठा और नीचे उतर आया। वह अपने विचारों में ऐसा लीन हो रहा था कि किसी से कुछ ना बोला। थोड़ी ही दूर चला था कि उसे सुंदर बाई के भवन के सामने कुछ मनुष्य दिखाई दिए। उसने एक आदमी से पूछा, यह कैसा जमघट है? मालूम हुआ कि आज कुंवर अनिरुद्ध सिंह यहां एक कृषि सहायक सभा खोलने वाले हैं। सभा का उद्देश्य होगा किसानों को जमींदारों के अत्याचारों से बचाना। सदन के मन में अभी अभी कृषकों के प्रति जो सहानुभूति प्रकट हुई थी वह मंद पर गई। वह जमींदार था और कृषकों पर दया करना चाहता था, पर उसे मंजूर न था कि कोई उसे दबाए और किसानों को भड़का कर जमींदारों के विरुद्ध खड़ा कर दे। उसने मन में कहा, यह लोग जमींदारों के सत्वों को मिटाना चाहते हैं। द्वेष भाव से ही प्रेरित होकर इन लोगों ने यह संस्था खोलने का विचार किया है, तो हम लोगों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। हमको अपनी रक्षा करनी चाहिए। मानव प्रकृति को दबाव से कितनी घृणा है। सदन ने यहां ठहरना व्यर्थ समझा। 9 बज गए थे, वह घर लौटा। संध्या का समय है, आकाश पर लालिमा छाई हुई है और मंद वायु गंगा की लहरों पर क्रीड़ा कर रही है, उन्हें गुदगुदा रही है। वह अपने करुण नेत्रों से मुस्कुराती है और कभी कभी खिलखिलाकर हंस पड़ती है, तब उसके मोती के दांत चमक उठते हैं। सदन का रमणीय झोपड़ा आज फूलों और लताओं से सजा हुआ है। दरवाजों पर मल्लाहों की भीड़ है। अंदर उनकी स्त्रियां बैठी सोहर गा रही हैं। आंगन में भट्टी खुदी हुई है और बड़े बड़े हांडे चढ़े हुए हैं। आज सदन के नवजात पुत्र की छठी है, यह उसी का उत्सव है। लेकिन सदन बहुत उदास दिखाई देता है।
वह सामने के चबूतरे पर बैठा हुआ गंगा की ओर देख रहा है। उसके हृदय में भी विचार की लहरें उठ रही हैं। ना, वह लोग ना आएंगे। आना होता तो आज 6 दिन बीत गए, आ ना जाते। यदि मैं जानता कि वे ना आएंगे तो मैं चाचा से भी यह समाचार न कहता। उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया है। वह मुझे कोई सरोकार नहीं रखना चाहते हैं। मैं जीऊँ या मरूँ उन्हें परवाह नहीं है। लोग ऐसे अवसर पर अपने शत्रुओं के घर भी जाते हैं। प्रेम से ना आते, देव दिखावे से ही आते, व्यवहार के तौर पर आते। मुझे मालूम तो हो जाता कि संसार में मेरा कोई है। अच्छा, ना आए, इस काम से छुट्टी मिले तो एक बार मैं स्वयं जाऊंगा और सदा के लिए निपटारा कराऊंगा। लड़का कितना सुंदर है, कैसे लाल लाल होंठ है, बिल्कुल मुझी पर पड़ा है। हाँ, आंखें शांता की हैं। मेरी ओर कैसे ध्यान से टुक टुक ताकता था। दादा को तो मैं नहीं कहता, लेकिन अम्मा उसे देखें तो एक बार गोद में अवश्य ही ले लें। एकाएक सदन के मन में यह विचार हुआ, अगर मैं मर जाऊं तो क्या हो, इस बालक का पालन कौन करेगा। कोई नहीं, नहीं नहीं, मैं मर जाऊं तो दादा को अवश्य उस पर दया आएगी, वह इतने निर्दय नहीं हो सकते। जरा देखूं सेविंग बैंक में मेरे कितने रुपए हैं, अभी तक 1000 रुपये भी पूरा नहीं। ज़्यादा नहीं, अगर 50 रुपये महीना भी जमा करता जाऊं तो साल भर में 600 रुपये हो जाएंगे। जो ही 2000 रुपये पूरे हो जाएंगे घर बनवाना शुरू कर दूंगा। 2 कमरे सामने, 5 कमरे भीतर, दरवाजे पर मेहराबदार सायवान, पटाव के ऊपर 2 कमरे हो तो मकान अच्छा हो, कुर्सी दूंगा। सदन इन्हीं कल्पनाओं का आनंद ले रहा था। चारों ओर अंधेरा छाने लगा था कि इतने में उसने सड़क की ओर से एक गाड़ी आते देखी। उसकी दोनों लालटेनें बिल्ली की तरह आंखों की तरह चमक रही थी। कौन आ रहा है? चाचा साहब के सिवा और कौन होगा, मेरा और है ही कौन। इतने में गाड़ी निकट आ गई और उसमें से मदन सिंह उतरे। इस गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी थी, सुभद्रा और भामा उसमें से उतरी। सदन की दोनों बहनें भी थीं। जीतन कोच बक्स पर से उतरकर लालटेन दिखाने लगा। सदन इतने आदमियों को उतरते देखकर समझ गया कि घर के लोग आ गए, पर वह उनसे मिलने नहीं दौड़ा। वह समय बीत चुका था जब वह उन्हें मनाने जाता था, अब उसके मान करने का समय आ गया था। वह चबूतरे पर से उठकर झोपड़े में चला गया, मानो उसने किसी को देखा ही नहीं। उसने मन में कहा, ये लोग समझते होंगे कि इनके बिना मैं बेहाल हुआ जाता हूँ, पर उन्हें जैसे मेरी परवाह नहीं, उसी प्रकार मैं भी इनकी परवाह नहीं करता। सदन झोपड़े में जाकर ताक रहा था कि देखें ये लोग क्या करते हैं। इतने में उसने जीतन को दरवाजे पर आकर पुकारते हुए देखा। कई मल्ला इधर उधर से दौड़े। सदन बाहर निकल आया और दूर से ही अपनी माता को प्रणाम करके किनारे खड़ा हो गया। मदन सिंह बोले, तुम तो इस तरह खड़े हो मानो हमें पहचानते ही नहीं। मेरे ना सही पर माता के चरण छूकर तो आशीर्वाद ले लो। सदन, मेरे छू लेने से आपका धर्म बिगड़ जाएगा। मदन सिंह ने भाई की ओर देखकर कहा, देखते हो इसकी बात, मैं तो तुमसे कहता था कि वह हम लोगों को भूल गया होगा, लेकिन तुम खींच लाए। अपने माता पिता को द्वार पर खड़े देखकर भी इसे दया नहीं आती। भामा ने आगे बढ़कर कहा, बेटा सदन, दादा के चरण छुओ, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। सदन अधिक मान न कर सका, आंखों में आंसू भरे पिता के चरणों पर गिर पड़ा। मदन सिंह रोने लगे। इसके बाद वह माता के चरणों पर गिरा। भामा ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। प्रेम, भक्ति और क्षमा का कैसा मनोहर, कैसा दिव्य, कैसा आनंदमय दृश्य है। माता पिता का हृदय प्रेम से पुलकित हो रहा है और पुत्र के हृदय सागर में भक्ति की तरंगें उठ रही हैं। इसी प्रेम और भक्ति की निर्मल ज्योति से हृदय की अंधेरी कोठरियां प्रकाशपूर्ण हो गई हैं। मिथ्याभिमान और लोक लज्जा या भयरूपी कीट पतंग वहां से निकल गए हैं। अब वहां न्याय, प्रेम और सद्व्यवहार का निवास है। आनंद के मारे सदन के पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वह अब मल्लाहों को कोई ना कोई काम करने का हुक्म देकर दिखा रहा है कि मेरा वहां कितना रौब है। कोई चारपाई निकालने जाता है,
कोई बाजार दौरा जाता है कि मदन सिंह फूले नहीं समाते और अपने भाई के कानों में कहते, सदन तो बड़ा चतुर निकला, मैं तो समझता था किसी तरह पड़ा दिन काट रहा होगा, यहाँ तो बड़ा ठाठ है। इधर भामा और सुभद्रा भीतर गईं। भामा चारों ओर चकित होकर देखती थी, कैसी सफाई है, सब चीज़ें ठिकाने से रखी हुई हैं, इसकी बहन गुणवान मालूम होती है। वह शौर्य गृह में गई तो शांता ने अपनी दोनों सासों के चरण स्पर्श किए। भामा ने बालक को गोद में ले लिया। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो वह कृष्ण का ही अवतार है। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में उसने मदन सिंह से आकर कहा, और जो कुछ हो पर तुमने बहु बड़ी रूपवती पाई है, गुलाब का फूल है और बालक तो साक्षात भगवान का अवतार ही है। मदन सिंह, ऐसा तेजस्वी ना होता तो मदन सिंह को खींच कैसे लाता। भामा, बहु बड़ी सुशील मालूम होती है। मदन सिंह, तभी तो सदन ने उसके पीछे माँ बाप की सुधी भी ना ली। वैसे अभागिनी सुमन कहाँ है? सुमन गंगा तट पर संध्या करने गई थी। जब वह लौटी तो उसे झोपड़े के द्वार पर गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दी। दरवाजे पर कई आदमी बैठे थे। पद्म सिंह को पहचाना, समझ गई कि सदन के माता पिता आ गए। वह आगे न बढ़ सकी, उसके पैरों में बेड़ियां से पड़ गई थी। उसे मालूम हो गया कि अब यहाँ मेरे लिए स्थान नहीं है, अब यहाँ से मेरा नाता टूटता है। वह मूर्तिवत खड़ी होकर सोचने लगी कि कहाँ जाऊँ। इधर एक मास से शांता और सुमन में बहुत मनमुटाव हो गया था। वही शांता जो विधवा आश्रम में दया शांति की मूर्ति बनी हुई थी, अब सुमन को जलाने और रुलाने पर तत्पर रहती थी। उम्मीदवारी के दिनों में हम जितने विनयशील और कर्तव्य परायण होते हैं, उतने ही अगर जगह पाने पर बने रहें तो हम देवतुल्य हो जाएं। उस समय शांता को सहानुभूति की जरूरत थी। प्रेम की आकांक्षा ने उसके चित्त को उदार, कोमल, नम्र बना दिया था, पर अब अपना प्रेम रत्न पाकर किसी दरिद्र से धनी हो जाने वाले मनुष्य की भांति उसका हृदय कठोर हो गया था। उसे भय खाया जाता था कि सदन कहीं सुमन के जाल में फिर से फंस न जाए। सुमन के पूजा पाठ, श्रद्धा भक्ति का उसकी दृष्टि में कुछ भी मूल्य न था, वह इसे पाखंड समझती थी। सुमन सिर में तेल मलने या साफ कपड़ा पहनने के लिए तरस जाती थी। शांता इसे समझती थी। वह सुमन के आचार व्यवहार को बड़ी तीव्र दृष्टि से देखती रहती थी। सदन से जो कुछ कहना होता था सुमन शांता से कहती, यहाँ तक कि शांता भोजन के समय भी रसोई में किसी न किसी बहाने आ बैठती थी। वह अपने प्रसव काल के पहले सुमन को किसी भांति वहां से टालना चाहती थी, क्योंकि शौर्य गृह में बंद होकर सुमन की देखभाल न कर सकेगी। उसे और सब का सहना मंजूर था, पर यह दा न सही जाती थी। लेकिन सुमन सब कुछ देखते हुए भी ना देखती थी, सब कुछ सुनते हुए भी ना सुनती थी। नदी में डूबते हुए मनुष्य के समान वह इस तिनके के सहारे को भी छोड़ सकती थी। वह अपना जीवन मार्ग स्थिर ना कर सकती थी, पर इस समय सदन के माता पिता को यहाँ देखकर उसे यह सहारा छोड़ना पड़ा। इच्छा शक्ति जो कुछ ना कर सकती थी वह इस अवस्था ने कर दिखाया। वह पांव दबाती हुई धीरे धीरे झोपड़े के पिछवाड़े आई और कान लगाकर सुनने लगी कि देखूं यह लोग मेरी कुछ चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। आधे घंटे तक वह इसी प्रकार खड़ी रही। भामा और सुभद्रा इधर उधर की बातें कर रही थी। अंत में भामा ने कहा, क्या अब इसकी बहन यहाँ नहीं रहती? सुभद्रा, रहती क्यों नहीं, वह कहाँ जाने वाली है? भामा, दिखाई नहीं देती? सुभद्रा, किसी काम से गई होगी, घर का सारा काम तो वही संभाले हुए है। भामा, आए तो कह देना कि कहीं बाहर लेट रहे, सदन उसी का बनाया खाता होगा। शांता सॉरी गृह में से बोली, नहीं अभी तक तो मैं ही बनाती रही हूँ, आजकल वह अपने हाथ से बना लेते हैं। भामा, तब तो घड़ा बर्तन भी वह छूती ही रही होगी, यह घड़ा फेंकवा दो, बर्तन फिर से धुल जाएंगे। सुभद्रा, बाहर कहाँ सोने की जगह है? भामा, हो चाहे ना हो लेकिन यहाँ मैं उसे सोने ना दूंगी, वैसी स्त्री का क्या विश्वास। सुभद्रा, नहीं दीदी वह वैसी नहीं है,
वह बड़े नेक धर्म से रहती है। भामा, चलो वह बड़ी नेक धर्म से रहने वाली है, सात घाट का पानी पी के आज नेम वाली बनी है। देवता की मूरत टूट कर फिर नहीं जुड़ती, अब वह देवी बन जाए तब भी मैं विश्वास ना करूं। सुमन इससे ज्यादा सुन न सकी। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो किसी से लोहा लाल करके उसके हृदय में चुभा दिया हो। उल्टे पांव लौटी और उसी अंधकार में एक ओर चल पड़ी। अंधेरा खूब छाया था, रास्ता भी अच्छी तरह न सूझता था, पर सुमन गिरती पड़ती चली जाती थी। मालूम नहीं कहाँ किधर, वो अपने होश में न थी। लाठी खाकर घबराए हुए कुत्ते के समान वह मूर्छावस्था में लुढ़कती जा रही थी। संभलना चाहती थी पर संभल न सकती थी, यहां तक कि उसके पैरों में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया और पैर पकड़कर बैठ गई। चलने की शक्ति न रही। उसने बेहोशी के बाद होश में आने वाले मनुष्य के समान इधर उधर चौंक कर देखा। चारों ओर सन्नाटा था, गहरा अंधकार छाया हुआ था, केवल सियार अपना राग अलाप रहे थे। यहां मैं अकेली हूं, यह सोचकर सुमन के रोए खड़े हो गए। अकेला मन किसे कहते हैं, यह उसे आज मालूम हुआ। लेकिन यह जानते हुए भी कि यहां कोई नहीं है, मैं ही अकेली हूं, उसे अपने चारों ओर नीचे ऊपर नाना प्रकार के जीव प्रकाश में आकाश में चलते हुए दिखाई देते थे। यहां तक कि उसने घबराकर आंखें बंद कर ली। निर्जनता कल्पना को अत्यंत रचनाशील बना देती है। धन्यवाद।